नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं दादरी हत्याकांड की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस पूरे मामले में राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो सबसे पहली बात है कि जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। जैसी कि खबरें सामने आई हैं, जो पुजारी के साक्षात्कार हमने देखे हैं उसके मुताबिक यह है कि चंद लोगों ने मंदिर से ये घोषणा करवाई कि इस घर में ये व्यक्ति गाय का मांस पकाकर खाता है, और वो भीड़ उन्मादी हो गई और उस पूरे उन्माद में अखलाक जो है वो बेचारे मारा गया, और उनका जो बेटा है वो गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। अब घटना तो ये हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया की वजह से सामने आई है। जब अखबार की सुर्खी बनी तो टीवी वाले वहां गए और टीवी वालों ने उसकी रिपोर्टिंग की। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि वो चीज बाद में, जिस तरह भीड़ का उन्माद होता है उसी तरह थोड़े दिनों बाद वो मीडिया के उन्माद में तब्दील हो जाता है, फिर मीडिया के उन्माद से वो राजनीतिक उन्माद में तब्दील हो जाता है, और गलती वहां पर होती है। भीड़ तो उन्मादी हो गई थी, वो भीड़ की गलती थी। मीडिया को भी उन्मादी होने की बजाय तथ्यों के आधार पर इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद राजनीति जो उन्माद पकड़ती है वो और भी खतरनाक हो जाता है। राजनीतिक उन्माद उस मुद्दे को इतनी इतनी दूर तक ले जाता है कि फिर ये तय करना मुश्किल होता है कि दरअसल वो घटना क्या थी। क्या वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष था? क्या वो गोमांस खाने की वजह से कुछ लोगों की आपत्ति थी जो इतनी बड़ी उन्माद में तब्दील हो गई? क्या वो फिलहाल जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं बिहार के चुनाव को देखते हुए उसको लेकर रचा गया एक षड्यंत्र था? क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जानबूझ के शुरुआत किया गया? अब ये सब जो बड़े सवाल हैं, इनके उत्तर सामने आने की बजाय मैं हिंदू तू मुसलमान, गाय का मांस हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, गोमांस को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रही है, कांग्रेस ने उसको लेकर क्या कहा है, बिहार में बैठे बैठे लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हिंदू तो बीफ खाता ही है और गोमांस नहीं खा, तो मुझे लगता है एक तो शायद उनको बीफ और गोमांस का अंतर किसी ने ढंग से नहीं बताया है। दूसरी बात यह है कि हिंदू भी मांस खाते हैं पर प्रतिबंध हिंदुओं ने लगाया, ये सारे मसले इसमें कहां है? एक व्यक्ति एक झूठी अफवाह के आधार पर मारा गया, और उसके पीछे लोगों का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक हो, सांप्रदायिक हो या कुछ और व्यक्तिगत रंजिश को लेकर हो, उस भीड़ में जो भी लोग इस घटना को अंजाम देने के लिए शामिल थे उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून अपना काम करे। मीडिया ने जब इस तथ्य को सामने लाने की भूमिका निभाई तो मीडिया ने निश्चित तौर पर बहुत अच्छा किया। आगे जाकर उस घटना की थोड़ी तफ्तीश की, वो भी अच्छा किया। लेकिन उसके बाद जब हम उस गांव को, ग्रेटर नोएडा के दादरी के उस बिसाड़ा गांव को एक पीपली लाइव में बदल देते हैं, तब फिर मुझे लगता है कि हम गलती करना शुरू कर देते हैं। विपक्ष कहता है कि मोदी को इस मामले में बयान देना चाहिए। देखिए, वो विपक्ष हर बार हर ऐसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष जानना चाहता है जिसको लेकर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो कट्टरपंथी धड़ा है वो कुछ अलग राय रखता है, और मोदी जी हमेशा उस राय से अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे उनको घेरने का मौका होते हैं कि वो क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं कि वो जिस तरह मनमोहन सिंह जो थे वो संवाद कम करते थे, नहीं करते थे, और सार्वजनिक मंचों पर भी बहुत कम बोलते थे। उसकी तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, खूब बोलते हैं, मंचों पर बोलते हैं, ट्विटर पर बोलते हैं, मन की बात में बोलते हैं, लेकिन उनका भी जो संवाद है वो आपसी बातचीत के बजाय अपनी बात कहने वाला संवाद ज्यादा है, और इसीलिए विपक्ष की तरफ से ये मांग उठती रहती है। मुझे लगता है इस मांग में कुछ गलत नहीं है। एक बड़ी घटना हुई है जिसको लेकर संवेदनाएं चरम पर पहुंच रही हैं और लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो उसमें अगर वो मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री बोले तो उस मांग में कुछ गलती नहीं है। लेकिन वो मांग अगर केवल राजनीतिक उद्देश्य से, अपना वोट बैंक को कुछ सुनाने के उद्देश्य से, ओवैसी वहां पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंच गए, उनके परिवार वालों ने बिल्कुल ठीक कहा है, और उनके बेटे ने तो एक बहुत मार्मिक सा खत भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि वो जब अखलाक मारे जा रहे थे उस वक्त कोई राजनीतिक दल वहां नहीं था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता वहां नहीं था, कोई पुलिस वहां नहीं थी, तो आप उस वक्त जब नहीं थे, आपकी व्यवस्था में ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसकी जान उस व्यक्ति की बचाई जा सके, तो अब आप सारे लोग वहां पर आंसू बहाने क्यों जा रहे हैं? ओवैसी का वहां क्या लेना देना है? अरविंद केजरीवाल जी का वहां क्या लेना देना है? आपने ऐसे कानून व्यवस्था के कदम पहले क्यों नहीं उठाए जिससे आप उसको सुधार सके? लेकिन अब आप जा रहे हैं। अगर मैं ऐसी बात करूं तो अब हमने कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, जब हमने जंतर मंतर पर उस पेड़ पर लटके हुए गजेंद्र सिंह को देखा था जिसको किसान बताया था, और ये कहा गया था कि किसान ने खुदकुशी कर ली, और तमाम हंगामा मचा
तमाम बहस मुबाइसे हुए और तमाम बहस मुबाइसों में उसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। उसके गांव गए लोग, कोई 10 लाख का चेक दे रहा है, कोई कुछ, कोई घड़ियाली आंसू बहा रहा है। पहली बात तो ये सामने आई थी कि वो व्यक्ति जो था वो किसान था ही नहीं। उसके भाई की जरूर खेती किसानी है, लेकिन वो फिर भी इतने गरीब नहीं है कि वो केवल खेती न चलने की वजह से आत्महत्या कर ले। वो राजस्थानी पगड़ियां और साफे बांधता था। उस व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थी, उस वजह से वो कभी बीजेपी में और कभी किसी और पार्टी में घूमता रहा था। और उस समय जब उसकी ये दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, तब वो आम आदमी पार्टी का सदस्य बनने की कोशिश में लगातार लगा था और सक्रिय था आम आदमी पार्टी के साथ। तो आज मुझे बताइए कि सारे सवाल हाशिए पर क्यों चले गए हैं कि गजेंद्र सिंह किसान था या नहीं था। तो किसान नहीं था तो उसको किसान की खुदकुशी क्यों बताया गया? वो सचमुच एक हादसा था या फिर किसी ने उसको उकसाया था, फांसी पर लग जा हम तुझे बचा लेंगे, और वो खुद को बचा नहीं पाया? और अगर ऐसा हुआ है तो वो कौन लोग थे जिन्होंने उसको उकसाया? और फिर तो उनके ऊपर हत्या का प्रकरण चलना चाहिए। तो ये सारे सवाल हाशिए पर चले गए। उसका परिवार कैसा है? क्या उसके जाने के बाद परिवार में जो कमी आई उसको पूरा किया जा सका? उसकी बेटी को हमने रोते हुए देखा है टेलीविजन चैनलों पर, तो हम जानना चाहेंगे उसकी क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि ये जो अतिवाद है ये गलत है। मौत पर जिस तरह की सियासत की जा रही है वो गलत है। मौत हुई है, गलत तरीके से हुई है। लोगों ने भीड़ के उन्माद में आकर उस व्यक्ति की अखलाक की हत्या की है, और उस हत्या के लिए जो भी लोग दोषी हैं उनको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का खेल अब बंद हो जाना चाहिए। यदि भी इस घटना का बिहार चुनाव पर क्या असर होगा, क्योंकि ओवैसी ने कहा है कि ये हमला पूरे मजहब पर हमला है। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ओवैसी अभी तक आंध्र प्रदेश में रहकर हैदराबाद और उसके इर्द गिर्द की राजनीति करते थे, और जो सीमांध्र हो गया फिर वो उन्होंने इधर उधर शिवसेना के खिलाफ कुछ महाराष्ट्र में, कुछ मुंबई में जोर आजमाइश करने की कोशिश की, और अब हम सभी जानते हैं कि वो बिहार के चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के जो अभी चुनाव सिर पर खड़े हैं उनको देखते हुए ही ओवैसी का वहाँ जाना हुआ। अरविंद केजरीवाल हालांकि दिल्ली में है, नोएडा से करीब है, लेकिन मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी जाकर नीतीश कुमार से उनके मंच पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाथ मिलाया है। उन्होंने तो गैर कांग्रेस गैर बीजेपी एक नया ही जुमला देकर एक नया मंच बनाने की कोशिश भी की है। तो ऐसे में जब ये लोग वहां जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को, अब आप देखिए लालू प्रसाद यादव बिहार में बैठे हैं, उनको अपने चुनावी कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो इस घटना पर, दादरी की घटना पर लगातार बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बिहार का जो चुनाव है वो लगातार विकास और अभी तक के जो कार्य नीतीश कुमार की सरकार ने किए उसके इर्द गिर्द केंद्रित होने की बजाय लगातार जाति और धर्म के इर्द गिर्द केंद्रित होता जा रहा है, और ऐसे में इन मुद्दों को जानबूझकर उछाला जा रहा है, बड़ा बनाया जा रहा है। ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह की घटनाएं हो ही ना? देखिए, ये तो अब इतना बड़ा सवाल है कि जिसका जवाब निश्चित तौर पर इस तरह की कैमरे के सामने की बहस में तो नहीं ढूंढा जा सकता, लेकिन जिस तरह का उन्माद, भीड़ का उन्माद हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ा है, हम एक लोकतंत्र के रूप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर अपने आप पर गर्व करते हैं, लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं वो हमारे उस लोकतंत्र पर एक करारा तमाचा है, एक बदनुमा दाग है, हमारे को नींद से झिंझोड़ने का काम इस तरह की हरकतें करती हैं कि जब लोकतंत्र में इस तरह के भीड़ का तंत्र बढ़ जाता है, एक किसी सोच को मानने वाले, एक किसी जुनून या उन्माद को मानने वाले लोग जब इस तरह की वहशी हरकतें करते हैं, तो हमें अपने आप के न केवल हिंदुस्तान या लोकतांत्रिक होने पर शर्म आती है, हमें खुद के इंसान होने पर शर्म आती है। ऐसी घटनाएं दरअसल इंसानियत के मुंह पर भी एक करारा तमाचा है, और हम जब इंसानियत से, धर्म से, राष्ट्र से, मजहब से बड़े हो जाते हैं या उसके परे चले जाते हैं, या हम एक विश्व को एक समुदाय के रूप में देखने लगते हैं, तब दरअसल हम सच्चे अर्थों में इस धरती पर अपना जीवन ठीक तरीके से जी रहे होते हैं। लेकिन जब हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे होते हैं, किसी मंदिर के पुजारी से कहकर या किसी मस्जिद के मौलाना से कहकर कुछ धार्मिक सांप्रदायिक राजनीतिक हरकतों को अंजाम दे रहे होते हैं, तब उस वक्त ना तो हम हिंदू होते हैं, ना हम मुसलमान होते हैं, ना हम हिंदुस्तान के नागरिक होते हैं। हम दरअसल एक पशु बनकर कुछ ऐसी, बल्कि पशु कहना भी इसलिए गलत होगा कि शायद पशु भी ऐसा ना करे, हम बहुत नीच अधम हरकत कर रहे होते हैं, और इस तरह की हरकत को धर्म के, राष्ट्र के, समाज के, मजहब के दायरे में बांटना भी गलत होगा। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे दादरी के अखलाक हत्याकांड की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।